हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 37। और आज सीखते हैं जेक्वेरी के बारे में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जेक्वेरी क्या होती है, कैसे आप जेक्वेरी को अपनी MEC एप्लीकेशन के अंदर सेटअप कर सकते हो, कैसे अगर आपको इंस्टॉल करनी है कोई चीज़ें वो कैसे कर सकते हो, कितने सारे तरीके हैं करने के, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे कि जेक्वेरी बेसिक मतलब उसकी जो बेसिक होती चीज़ें हैं उसके अंदर क्या क्या होती हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, वो सब चीज़ें। तो बेसिकली हम पूरा जेक्वेरी का ओवरव्यू समझने वाले हैं। अगर आपको जेक्वेरी के बारे में पता है तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा और इसमें चीज़ें हट के सीखने को मिलेंगी। अगर आपको जेक्वेरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो भी ये वीडियो आपको बिल्कुल ज़रूर देखनी ही है, तब तो देखनी ही है। खैर, तो आपको इसमें सीखने को मिलेगा जेक्वेरी के बारे में सब कुछ। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक कीजिए। जो आपके रिव्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि जेक्वेरी क्या होती है। तो देखिए, जेक्वेरी एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। और लाइब्रेरी क्या होती है, बेसिकली जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो अभी हमें क्या होता है, हमें सर्वर के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे वैलिडेशंस वाला काम था, ठीक है, इससे पहले हमने एक बार कवर किया था। तो हम क्या करते थे, चीज़ों को एक बार अपने डेटा डाला, सबमिट पे क्लिक किया, तो रिक्वेस्ट हम भेजते थे कंट्रोलर के ऊपर, और कंट्रोलर में वहाँ पे हम चीज़ों को वैलिडेट करते थे, देखते थे कि डेटा सही है गलत है, मॉडल स्टेट को हम वहाँ पे चेक करते थे, और उसके बाद में एरर हम दिखाते थे UI पे। तो बाद में लेकिन हमने अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ था, उसकी हेल्प से हमने सारी चीज़ों को अपने ब्राउज़र के ऊपर ही सोल्व कर लिया था। तो वही सब कुछ ये है जेक्वेरी। तो बेसिकली ये एक JS लाइब्रेरी होती है जो आपके ब्राउज़र के ऊपर ही चलती है, इससे सर्वर का कोई लेना देना नहीं है, ये आपके ब्राउज़र में ही चलती है। अगर आपने ब्राउज़र में इसको डिसेबल कर दिया तो ये काम भी नहीं करेगी, ठीक है। तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आजकल तो इवन सभी वेबसाइट्स में फ्रंट एंड पे तो जेक्वेरी के बिना कुछ होता ही नहीं है। जेक्वेरी के बाद में इसके और जैसे एडवांस होते हैं चीज़ें कि एंगुलर पे आपने काम किया, नोकआउट पे काम किया, लेकिन उन सबको सीखने के लिए भी आपको बेसिक जेक्वेरी का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये जेक्वेरी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेक्वेरी को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई बिल्कुल ब्लैंक एप्लीकेशन बनाते हैं, और वेब यही जो अब तक बनाते आते थे हम, इसका नाम डाल देते हैं हमने विद जेक्वेरी। और MT लेते हैं हर बार की तरह, MEC। अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे MT एप्लीकेशन और MEC का रेफरेंस। अगर आप ये MEC वाला टेम्पलेट लेते हो तो आपने देखा होगा आपकी सारी जेक्वेरी फाइल्स अपने आप ही पहले से बन के आ जाती हैं, जो फ्रेमवर्क है वो पहले से उसको इंस्टॉल कर देता है। बट अगर आपने MT यूज़ किया हुआ है तो हम देखेंगे कि हम तब चीज़ों को कैसे अपने एप्लीकेशन के अंदर सेट कर सकते हैं। तो MT एप्लीकेशन, ओके, ये क्या करेगा, बिल्कुल ब्लैंक एप्लीकेशन जैसे अब तक हम बनाते थे वो यहाँ पे बन के तैयार है। तो आपने देखा होगा कंट्रोलर व्यू, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है, जो बेस्ट तरीका है जेक्वेरी को इंस्टॉल करने का, वो होता है NuGet पैकेज का यूज़ करते हुए। तो अपने सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करो और मैनेज NuGet पैकेज, यहाँ पर ये तो सारे इंस्टॉल्ड हैं, ब्राउज के ऊपर जाओ और यहाँ पे लिखो jQuery, ठीक है। ये jQuery को सर्च करेगा, सबसे ऊपर देखो jQuery, तो इसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में इंस्टॉल। इसका वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ये दिखा रहा है। अब ये इंस्टॉल करने जा रहा है क्या, jQuery 3.3.1 ये इंस्टॉल करने जा रहा है, पूछ रहा है इसको इंस्टॉल करना है क्या, तो उसको ओके, और बस इसने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी। आप ये देखो यहाँ पे वर्जन इसका दिखा रखा है 3.3.3। अगर आपको कोई लेटेस्ट पुराना इसका वर्जन लेना है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो पुराने वाला भी, और वो कर सकते हो। अब देखो इसने क्या क्या काम किया है, स्क्रिप्ट एक नया फोल्डर ऐड कर दिया, उसके अंदर आप जाके देखोगे तो जेक्वेरी की जितनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मिन फाइल भी होती है, स्लिम फाइल और जो मेन फाइल है, वो सारी सारी यहाँ पर ऐड कर दी है। ये देखो ये मेन फाइल है जो बिल्कुल जो अनकम्प्रेस है, यानी कि इसको हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मिन फाइल भी है, ये एक लाइन में पूरा पूरा कोड है, इसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं।
बस ऐसे करके आप चीज़ों को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप न्यूगेट पैकेज से नहीं जाना चाहते तो या तो आप एक, अब देखो होगा क्या, हम इस फाइल का रेफरेंस अल्टीमेटली अपने लेआउट के अंदर या फिर किसी पेज के अंदर ही देंगे तभी ये चीज़ें चल पाएंगी। तो या तो आप एक काम करो, अब जो ये हमने इंस्टॉल किया है या तो इसका रेफरेंस पेज के ऊपर दे दो। दूसरा तरीका क्या है, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, या आप उसका यूज़ करो। उसमें क्या होता है, आपको केवल एक URL मिलता है, उस URL को अपने पेज के ऊपर लगाओ। जैसे आपकी एप्लीकेशन चलेगी, आपकी एप्लीकेशन के पास में इंटरनेट होना चाहिए, अगर आप लोकल पे भी चला रहे हो, सर्वर पे तो खैर होगा ही था उस टाइम पे, बट जैसे आप लोकल पे चला रहे हो तो आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए। रन टाइम पे ही एक JS फाइल को डाउनलोड किया जाएगा आपके ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, और वैसे करेगा। या फिर एक काम करो, आप jQuery की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओ, jQuery.com, ये एक वेबसाइट है jQuery.com। तो यहाँ पे पूरी मतलब jQuery के बारे में आप अच्छा खासा पढ़ भी सकते हो अगर आपको पढ़ना है, jQuery क्या होती है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे कैसे इसके अंदर मतलब कोड लिखा जाता है, वो सब कुछ यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है। इसके बाद में डाउनलोड करने का यहाँ ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे जितने भी फाइल्स आपको चाहिए थी वो सब यहाँ पे मिल जाएगी। डाउनलोड द कंप्रेस्ड फाइल, तो ये कंप्रेस्ड फाइल है प्रोडक्शन के लिए है, ये अनकम्प्रेस्ड है डेवलपमेंट के लिए है। जैसे मेन फाइल थी ना वो, ये वही है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ इसको ओपन करके, ये देखो ये मेन फाइल है, यहाँ पे URL के अंदर भी दिखा रहा है, यहाँ पे पूरा कोड उसका बन के आ जाएगा। ये देखो ये मेन फाइल है, आपको यहाँ पे देखने से कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसे इसको अनकम्प्रेस फाइल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो फाइल जो हमारी यहाँ पे है, ये वाली फाइल, ये पूरी पूरी सेम वहीं पे बना रखी होगी, ये फाइल सेम वही है। तो आप चाहो तो यहाँ से पूरे पूरे कोड को ऐसे कॉपी करो Ctrl+C, और अपने यहाँ पे एक मैनुअल फोल्डर अपने आप बनाओ, राइट क्लिक करो उसके ऊपर, ऐड जावास्क्रिप्ट फाइल। तो यहाँ से चाहो तो आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल खुद एक बना लो, उसके अंदर कोड को पेस्ट कर दो। तो ये तीन तरीके हैं, या तो आप CDN का यूज़ करो, या फिर CDN के अलावा आप न्यूगेट पैकेज से चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आओ, या फिर तीसरा तरीका क्या है, आप अपने आप ही एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर अपने आप ही jQuery. जो JS आपने नाम रखना है उसका नाम से बनाओ अपने आप फाइल वहाँ पे, और कोड वहाँ से उठा के पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये बात तो हुई कि हम jQuery को सेटअप कैसे कर सकते हैं, अब इसके बाद में देखते हैं कि jQuery को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। तो पेज के ऊपर करने के लिए क्या करते हैं, हमें इसका यूज़ किया जाता है व्यू के ऊपर, बेसिकली ये ब्राउज़र के ऊपर काम करती है, तो ब्राउज़र के ऊपर हमारा क्या क्या पार्ट जाता है, व्यू, तो इसलिए हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, व्यू के ऊपर। तो देखो अब हर एक व्यू के ऊपर काम करेगा, तो या तो पहला तरीका ये है आप हर एक व्यू के ऊपर इसका रेफरेंस देते रहो, या फिर अगर आपने लेआउट फाइल का यूज़ कर रखा है तो आप एक काम करो लेआउट के अंदर इसका रेफरेंस दे दो, सभी पेज को अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये आपकी मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में सिंगल पेज है या एक से ज़्यादा पेज है। एक पेज के लिए आप पेज के ऊपर इसका रेफरेंस दे सकते हो, अब रेफरेंस कैसे दे सकते हैं वो सीखते हैं। तो एक कंट्रोल ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, और इस एक्सेल मेथड के लिए एक व्यू ऐड करते हैं, राइट क्लिक ऐड व्यू इंडेक्स, लेआउट वाला हटा देता हूँ मैं भी, और ऐड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे अगर आपको इसको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो jQuery कहाँ है हमारी फाइल, स्क्रिप्ट्स के अंदर है, कौन सी यूज़ करने वाले हैं हम, ये डेवलपमेंट वाली, ये वाली यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। तो सिंपल तरीका है, ड्रैग करो ड्रॉप कर दो बस। इसमें देखो क्या क्या हुआ है, इसने एक नया टैग बनाया स्क्रिप्ट के नाम से, उसके बाद में एक SRC लिखा यानी कि सोर्स, सोर्स कहाँ पे है इसका, यहीं पे। या तो हम जो मैंने बताया था आपको CDN वाला URL, या तो आप किसी इंटरनेट वाला डाल दो, या फिर अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही फाइल को रखा हुआ है उसका पूरा का पूरा पाथ, जैसे कि ये रूट वाला गया, फिर उसके अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर गया, और ये jQuery फाइल का नाम, बस इतना सा चीज़ आपको करनी है। और अगर मैं इसको देखता हूँ यूज़ करके, तो थोड़ा सा मैसेज डाल देते हैं, हेलो फ्रॉम इंडेक्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये ब्राउज़र के ऊपर कहाँ पे दिखी है, मतलब ये रेंडर हो भी रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ये देखो ये हमारी एप्लीकेशन वो बन के आई इंडेक्स पे, यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ jQuery आपको यहाँ पे कहाँ पे दिख सकती है, तो राइट क्लिक करो और पेज सोर्स इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आपको जाना है, डेवलपर टूल्स ओपन करने हैं आपको, F12 भी आप प्रेस कर सकते हो, Ctrl+Shift+I भी प्रेस कर सकते हो, Ctrl+Shift ऐसे करके ओपन हो जाता है ये। अब चलते हैं इसके, यहाँ पे देखो बहुत सारे टैब्स मेन्यूज़ बन के आ जाते हैं, इसके ऊपर हमें जाना है कहाँ पे, सोर्स के अंदर।
सोर्स के अंदर मतलब पूरा कोड जितना ब्राउजर के ऊपर रेंडर हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या क्या रेंडर हुआ है, सबसे पहले ये दिखाता है कि किस किस डोमेन से क्या क्या रेंडर हुआ है। तो इस डोमेन से हमारे पास में ब्राउजर में क्या क्या रेंडर हुआ है, एक तो होम के अंदर इंडेक्स रेंडर हुआ है। इंडेक्स बेसिकली क्या है, जो हमारा व्यू था पूरा पूरा व्यू रेंडर यहाँ पे हुआ है। दूसरी क्या रेंडर हुई है, स्क्रिप्ट के अंदर जो फोल्डर हमने वहाँ पे बना था, तो जेक्वेरी ये पूरी फाइल यहाँ पे रेंडर हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फाइल आपने वहाँ पे यूज़ की थी वो जेक्वेरी ये यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे यूज हुई है। अब ऐसे ही अगर आपने किसी CDN का URL दे रखा होगा तो वो यहाँ पे आपको दूसरे डोमेन के अंदर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपने डोमेन दूसरा यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हमने फाइल को अपने फोल्डर के अंदर ही रखा हुआ था, इसीलिए ये फाइल कहाँ पे है, हमारे लोकल होस्ट के अंदर है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही है, इसलिए हमारे वाले डोमेन के अंदर ये दिख रही है। अब देखोगे 62285 पोर्ट नंबर है, यहाँ पे ये 62285 यही पोर्ट नंबर है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि जेक्वेरी कर क्या सकती है। जेक्वेरी बेसिकली सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है आपके यहाँ पे जो आपका ब्राउज़र है, जो आपका क्लाइंट साइड HTML है, वहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कैसे कैसे चीज़ों को गेट करना, आपको किसी को सेट कर सकते हो, CSS भी सेट कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो सब यहाँ पे कर सकते हो। एकदम आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सपोज मैंने H1 ही लिखा है, तो इसको यूज़ करने के लिए दो तरीके हैं, या तो स्क्रिप्ट टैग बनाओ, उसके अंदर आप कोड लिखना शुरू कर दो। अब आप अपने इस CSS HTML पेज के ऊपर ही यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा आप अपनी jQuery.js का फाइल लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप एक और js की फाइल बनाओ, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके और एड js का नाम से, और उसको भी यहाँ पे रेफर कर दो इसके नीचे, जो फाइल आपने पहले वाली यूज़ की हुई है इसके नीचे, क्योंकि जो दूसरी फाइल आप बनाने जा रहे हो वो उसको ज़रूरत है इसकी, तो इसके बिना वो फाइल नहीं चल सकती। अगर आपने उसको पहले लिख दिया दूसरी फाइल को अपनी वाली को, तो वो ऊपर आ जाएगी और जो आपके फंक्शंस हैं वो ऊपर बन जाएंगे, तो वो चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम मेन फाइल को ऊपर रखते हैं और जो फाइल आपकी है जिसमें आप कोड लिखोगे वो नीचे आनी चाहिए इसके लिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक फाइल बनाओ उसके अंदर कोड लिखो, या फिर आप इसी पेज के ऊपर भी लिख सकते हो। अब मैं आपको इसके कुछ मेथड्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मेथड आता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी क्या करता है, जब भी आपका पूरा डोम ब्राउजर के अंदर रेंडर हो जाता है तो वो फंक्शन कॉल होता है। अब उस फंक्शन को लिखते कैसे हैं, देखो जे क्वेरी का लिखने से पहले आपको हमेशा डॉलर लिखना होता है, या तो आप डॉलर लिखो या फिर जे क्वेरी लिखो, ठीक है। मतलब जैसे हम कोई भी अपना सिंटैक्स शुरू करते हैं तो ये वही है बेसिकली, ये डिनोट करता है कि आप जे क्वेरी यूज़ करने जा रहे हो। तो या तो आप जे क्वेरी लिखो इसकी जगह पे, या फिर डॉलर, उसके बाद में डॉक्यूमेंट ऐसे डॉट रेडी, और यहाँ पे आपको डालना है फंक्शन ऐसे कर। अब ये आपका डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बन के तैयार है। अब इसके अंदर आपको जो काम करना है, क्या काम करना है, सपोज आप चाहते हो कि डोम इज़ रेडी, कुछ मैसेज आपको दिखाना है, या फिर आपको डोम रेडी होने के बाद में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये चेक करने के लिए चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं एक सिंपल अलर्ट मैसेज यहाँ पे दिखाता हूँ, डोम इज रेडी। अब मैंने इसको सेव किया और मैं कहाँ पे जाता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखोगे जैसे ही पेज रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे एक अलर्ट बन के आया डोम इज़ रेडी। ये ऐसे ही अलर्ट बॉक्स होता है jQuery का, तो ये ऐसे ही खुलता है। और जो IE ब्राउजर है वहाँ पे थोड़ा बीच में बन के आ जाता है, तो ये ब्राउजर की फीचर होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये मतलब ब्राउजर अपने आप खोलता है इसको, तो ये यहाँ पे देखो ये आपका अलर्ट बॉक्स बन के आ गया, और जो मैसेज आपने वहाँ पे लिखा था वो मैसेज भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे एक div लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे H1 के बाद में मैंने यहाँ पे एक div लिया हुआ है, ठीक है। और ये फिर लेबल ले लेते हैं, लेबल लेते हैं एक, और इस लेबल की मैं ID डाल देता हूँ LVL, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको किसी, देखो jQuery का यूज़ हम करते हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, उसकी वैल्यू सेट करने के लिए, उसकी वैल्यू गेट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको सबसे पहले jQuery से उस एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा, उस एलिमेंट को भी गेट करना पड़ेगा। उसके भी कई तरीके होते हैं, या तो आप नाम से ही कर दो, जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, आप यहाँ पे लेबल लिख दो, तो जितने भी लेबल आपने यहाँ पे यूज़ किए होंगे उन सभी के लिए वो सारा काम चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, या फिर आप उसकी आईडी ले लो,
ठीक है, आईडी के बेस से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसको हम बेसिकली हम सेलेक्टर्स बोलते हैं कि जेक्वेरी में सेलेक्टर्स कितने तरीके से होते हैं। तो आप आईडी के बेस पे भी डेटा को ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, चलो मैं यहीं पे देके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि सपोज मुझे लेवल के अंदर सेट करना है, तो उसके लिए आपको डॉलर से शुरुआत होती है और ब्रैकेट, और अगर आपको आईडी के साथ में काम करना है तो आपको हैश लिखना पड़ता है पहले, और आईडी क्या है उसकी, LDL। बस अब यहाँ इतना करने से ये पूरा एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस एलिमेंट के अंदर आपको क्या करना है, मुझे इसका टैग सेट करना है। क्या सेट करना है, टैग। आई एम एडेड फ्रॉम जेक्वेरी, ठीक है। तो पहले आप देखोगे यहाँ पे इसका जो हमने टेक्स्ट कुछ भी नहीं रखा हुआ है, मैं इसको सेट कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, पहले तो अलर्ट बॉक्स वही आया, इसके बाद मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे अब लेवल बन के आ गया। तो ये आई एम एडेड फ्रॉम जेक्वेरी। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो मैं इसको अलर्ट को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ अब, ठीक है। तो इनपुट टाइप बटन, और इसकी वैल्यू क्या है, क्लिक मी। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लिक मी पे जब मैं क्लिक करूँ तब इस लेवल के अंदर वो टेक्स्ट आ जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। जैसे आप मेथड्स बनाते हो सी शार्प के अंदर, वैसे यहाँ पे आप फंक्शंस बनाते हो। फंक्शंस आप कैसे बना सकते हो, फंक्शन कीवर्ड होता है उसके लिए, और उसके बाद में फंक्शन का नाम, जैसे कि बटन क्लिक, ऐसे करके। और जो जब हम मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उसके वहाँ पे पैरेंथेसिस देते हैं, तो सेम वही इसके अंदर आपको पैरामीटर पास करने हैं तो आप पैरामीटर पास करो, नहीं करने हैं तो मत करो। अब मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन कब कॉल हो, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ। तो उसका तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे ऑन क्लिक होता है एक इसका इवेंट, इसको इवेंट्स बोलते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये फंक्शन। बस तो ऐसा करने से अब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और मैं इस वाले कोड को भी कहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन के अंदर। तो या तो हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो इसका काम हो गया अभी। तो मैं चाहता हूँ कि अब बटन क्लिक करने में देखना ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर इसको, ठीक है। जो पहला मैसेज लिखा हुआ है पर उसके बाद में बटन बना हुआ है, जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई एम एडेड फ्रॉम जेक्वेरी, ये देखो यहाँ पे ये आ जाता है। तो ऐसे करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप चीज़ों को सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, जो भी आपको करना है। अगर एक और चलो छोटा सा करके देखते हैं, जहाँ पे मैं करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद में बस अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मैं वैल्यू डालूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऊपर बना देते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। अब क्या होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूं और बटन के ऊपर क्लिक करूं तो वो वैल्यू उस लेवल के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से वैल्यू को रीड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, वेर, जैसे आप वहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन करते हो, यहाँ पर उसको वेर से लिखा जाता है, वेर वैल्यू इक्वल टू। अब उसको रीड करने के लिए पहले आपको उस एलिमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। एलिमेंट के ऊपर कैसे जा सकते हो आप, आईडी के बेस पे या फिर क्लास के बेस पे। अगर आपको क्लास के बेस पे जाना है तो आपको डॉट का यूज़ करना होता है। तो मैंने यहाँ पे हैश लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको डॉट और फिर बाद में क्लास का नेम। तो जितने भी एलिमेंट्स के अंदर आपने वो क्लास यूज़ की होगी वो ऑपरेशन सभी के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। तो मुझे इसकी आईडी यहाँ पर डालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया TXTBOX, और इस आईडी का मैं यूज़ कहाँ पर करूँगा, यहाँ पर। तो हैश वी, और एक फंक्शन इसका होता है वैल। तो वैल करने से क्या होगा, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ से। और इस वैल्यू को मुझे किस में सेट करना है, लेबल के अंदर। तो मैं ये वैल्यू डायनेमिक जो मेरे पास आई है, मैं इसको कहाँ पे सेट कर दूंगा, लेबल के अंदर, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था ऊपर, ये टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद में एक लेबल है टेक्स्ट बॉक्स की आई डी टेक्स TXTBOX, लेबल की आई डी है LBL। बटन क्लिक पे क्या होगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ये फंक्शन क्या काम करेगा, सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रीड करेगा। ये इससे एलिमेंट सेलेक्ट हुआ, इससे उसकी वैल्यू मिली। वैल्यू मिलने के बाद मैं इसमें असाइन हो गई इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर। बाद में जब वैल्यू असाइन हो गई उसके बाद में आप यहाँ पे इस लेबल के अंदर में सेट कर दूंगा, ठीक है। अब चलाओ इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 1 2 3, और मैं बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो जो लेबल था ना, यहाँ पे लेबल के अंदर भी आ रहा है। वो हमने BR वगैरह टैग यूज़ नहीं किया तो इसलिए आपको एक लाइन में दिख रहा है, अदरवाइज आप PR टैग यूज़ करोगे तो आपको अलग लाइन में भी आ जाएगा। अब मैंने इसके अंदर चेंज किया कि
क्लिक किया और देखो सेम यहाँ पे ऐसे आ गए। तो ऐसे करके मतलब आप जेक्वेरी से परफॉर्म ऑपरेशन सारे सारे कर सकते हो। अब यहाँ से अब दो टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, एक यहाँ पे बनाओ, एक दूसरा और बनाओ, और उन दोनों के अंदर आप नंबर डालो, क्लिक में भी क्लिक करो, आप उसको ऐड कर सकते हो। तो वो सब काम जो आपको करने हैं सभी आप जेक्वेरी से कर सकते हो। और मेन चीज़ क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, अब देखो कि यहाँ पे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। मैं जितनी बार भी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पेज रिफ्रेश नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं बट पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारा काम आपके फ्रंट एंड पे ही हो रहा है, आपके ब्राउज़र पे ही हो रहा है। तो इससे क्या होता है, चीज़ें फास्ट होती हैं, आपके सर्वर पे लोड नहीं पड़ता है, आप अपनी किसी भी चीज़ को ऐसे ही क्लाइंट साइड के ऊपर कर सकते हो। बट वही है, ये चीज़ थोड़ी सिक्योर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, पूरा कोड यहाँ पर देखो, ये सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पर आपने जो कोड लिखा है आपको वो भी दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। अगर मैं इसके ऊपर डीबग भी करूँ तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है इसके बाद में, मतलब ऐसे करके आप सब कुछ पूरा पूरा चेक कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, अब देखो कि वैल्यू के अंदर क्या आया, जो वहाँ पे वैल्यू थी वो आ गई। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर पूरा पूरा सब कुछ सेट कर देगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो यही है बेसिकली जेक्वेरी की बेसिक चीज़ें, तो यही होती हैं। अब इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट चीज़ मेन है, हमें जेक्वेरी का यूज़ हम करेंगे डेटा को लाने के लिए और ले जाने के लिए अपने कंट्रोलर मेथड के ऊपर, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और, आप चाहे तो मुझे आप अपने मनी को डोनेट कर सकते हैं, और ये मेरा पेपाल का लिंक है https://www.paypal.me, और ये बाद में मेरा यूज़र नेम है NITISHKAUSHIK। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रही हैं, आप चाहते हो चैनल को मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूं, तो आप मुझे यहाँ पे पैसों को डोनेट कर सकते हो, जिससे मैं चीज़ों को और अच्छे से कर सकता हूँ। सो यही सेटअप है पूरा जेक्वेरी का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जेसन के बारे में। Thank you for watching. Have a great day.